नमस्कार, जे स्काई न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं करिश्मा परिहार। आइए रुक करते हैं शहर की तमाम खबरों की ओर। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी मंचलों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन ये मंचले घर से स्कूल या स्कूल से घर जाते समय लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और उन पर फप्तियां कसते हैं। हालांकि पुलिस ने परीक्षा के दौरान स्कूल के बाहर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात करने का दावा कर रही है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हुआ है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को सामने आया है। सोमवार को एक बाइक पर सवार दो मंचलों ने घर से छावनी स्कूल जा रही एक छात्रा को स्कूल के बाहर बाइक से टक्कर मारकर गिरा दिया, जिसके कारण छात्रा घायल हो गई। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने दोनों मंचलों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों बदमाश बाइक को मौके पर छोड़कर भाग छूटे। घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने घायल छात्रा को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया, जहाँ पर उसका उपचार जारी है। उधर घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मौके से बाइक को जब्त कर सिटी थाने पहुंचाया। सिटी थाना अधिकारी नहार सिंह के अनुसार बाइक के नंबरों के आधार पर बदमाशों की पहचान की जाएगी तथा उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही शहर में नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशेड़ी लोगों तथा नशा बेचने वालों की धरपकड़ की जाएगी। जानकारी के अनुसार फतेहपुरिया दोयम निवासी 11वीं कक्षा की छात्रा हर्षिता पुत्री मोहन सिंह रावत सोमवार को राजकीय गर्ल्स स्कूल आ रही थी। हर्षिता स्कूल के गेट के बाहर पहुंची ही थी कि इस दौरान एक बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों ने हर्षिता को टक्कर मार कर गिरा दिया, जिसके कारण वे चोटिल हो गई। घटना की जानकारी के बाद स्कूल व्याख्याता नारायण सिंह पवार ने घायल छात्रा को के अमृत को चिकित्सालय ले जाकर उपचार हेतु भर्ती करवाया। एक हर्षिता जो 11th क्लास डी में पढ़ती है, वो सुबह जैसे ही विद्यालय की ओर आ रही थी और बाहर जो मंचले जो इधर उधर घूमते हैं, जब स्कूल के आने और जाने दोनों समय के अंदर ये मंचले बच्चियों को परेशान भी करते हैं, और इस तरह से आकर के जब ये बच्ची जैसे ही टर्न लिया उसको गाड़ी से टक्कर मार के इसको गिरा दिया। और मैं इसको यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आया हूँ और उनके पेरेंट्स को भी बुलाया है। यहाँ दो जने थे जो बाहर वाले दुकानदारों ने उनको और गाड़ी को जब्त कर ली और बाकी वो वहाँ से भाग गए। अभी परीक्षा का टाइम चल रहा है, जो भी ये मंचले हैं जो मोटरसाइकिल लेकर के अगर घूमते हैं तो इन पे कार्रवाई की जाएगी और इनको ला के बंद किया जाएगा। और जो नशे की नशेड़ी ज़्यादा है यहाँ पे, समय की नशे इन पर अंकुश लगाएगा। ग्राम पंचायत लगेत खेड़ा के ग्रामीणों ने सोमवार को ग्राम पंचायत की एलडीसी रजनी बागड़ी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। एलडीसी के तानाशाही रवैये के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एलडीसी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत लगेत खेड़ा की एलडीसी न तो समय पर ग्राम पंचायत पहुंचती है और न ही ग्रामीणों के काम करती है। एलडीसी के तानाशाही रवैये के कारण सभी ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि एलडीसी मनरेगा में लेबर के मस्ट रोल भी समय पर जारी नहीं करवाती है। इस संदर्भ में सभी ग्रामवासियों ने इसकी शिकायत सरपंच को दी है और सरपंच ने जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी ब्यावर के सामने नोटिस दिया। इसके बाद रजनी बागड़ी ने नोटिस से खफा होकर सरपंच पति भगवान सिंह, जेठ प्रताप सिंह, देवर रघुवीर सिंह तथा गणपत सिंह पर एसएसटी व छेड़छाड़, गाली गलौज व राजकार्य में बाधा पैदा करने के आरोप में बरथाने में झूठा मामला दर्ज करवा दिया, जिससे ग्रामीण खौफ में है। अब तो ग्रामीणों को ग्राम पंचायत जाने में भी डर लगता है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से एलडीसी के खिलाफ कार्यवाही करने तथा झूठे मुकदमे की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सरपंच विमला देवी, प्रताप सिंह, उदय सिंह, रणजीत सिंह, गोविंद सिंह, अशोक सिंह, विजय सिंह, मिट्ठू सिंह, श्रवण सिंह, मोहन सिंह, रमेश सिंह, कैलाश चंद्र, प्रभुलाल, गोपाल, मदन सिंह, हरि सिंह तथा सज्जन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। सर, ये 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख को हमारी जन सुनवाई थी तो एसडीएम साहब हमारे वहाँ पधारे थे पंचायत मुख्यालय। तो ये रजनी जी बागड़ी जो है एलडीसी लगी हुई है कनिष्ठ लिपिक, तो उनके वो काम नहीं करती, लोगों का काम नहीं करती। तो अभी हमें वो मेरे छोटे भाई की मिसेज सरपंच है, तो अब हमारे को कहते हैं भाई के आप ये हमारे जो जोगा टाइम से नहीं बन रहे हैं, हमारे नरेगा में नाम नहीं आ रहे हैं। तो सर हमारा क्या कहना होता भाई, आप ये काम कर दीजिए,
जबकि आज 6 महीने की नौकरी होगी। मैं उन मैडम से अभी तक मैं नमस्कार भी नहीं की मैंने उनसे, मैं बराबर उनको जानता भी नहीं हूँ। लेकिन एसडीएम साहब जिस दिन आई उस दिन हमारे फेस टू फेस एसडीएम साहब को हम वो दे रहे थे ज्ञापन, सर ये हमारे काम ढंग से नहीं करते इसलिए इनको आप कहीं अन्यत्र लगाओ चाहे कुछ भी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो एसडीएम साहब ने हमारी शिकायत ले ली, तो एसडीएम साहब शिकायत लेने के बाद में उनको एसडीएम साहब ने फटकार लगाई भी आप कर्मचारी हो ढंग से काम करो, काम कर जनता का करना पड़ेगा। एसडीएम साहब ने सही कहा। और ये सरपंच है, सरपंच तो जनप्रतिनिधि कभी आप भी जाए नहीं भी आए, लेकिन आप सरकारी कर्मचारी टाइम से टाइम आओगे टाइम से टाइम जाओगे और नौकरी करनी है उनको। तो ये करने के बाद में 7 बजे शाम को इनका जो पति देव है एडवोकेट राजेंद्र जी बागड़ी, उन्होंने पता नहीं वो एक वकील होने के नाते क्या किसी को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे क्या, तो उन्होंने 7 बजे हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में हमें मालूम पड़ा 5 तारीख का मुकदमा दर्ज हुआ। अगर 5 तारीख का मुकदमा दर्ज हुआ तो उस दिन एसडीएम साहब के सामने बोलना चाहिए भाई इस आदमी ने, हम शिकायत करे तो भाई इसने कल मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, लेकिन उसने नहीं बोला। लेकिन षड्यंत्र रच के मैं एक भाजपा का मंडल अध्यक्ष होने के नाते आज पार्टी में मेरी छवि क्या हुई होगी कि प्रताप सिंह ऐसा आदमी, उसने कहा प्रताप सिंह मेरे कमरे में घुसा और मेरे कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा मेरा पिस्टोल फाड़ने की कोशिश की गई। तो आप वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मैडम साहिबा आती है दिन को दोपहर को 12:42 और कुछ सेकंड पे आती है और उसके बाद वो 4 बजे और कुछ मिनट बाद में वापस निकलती है। उस दरमियान अगर मैं वहां पर उपस्थित हुआ हूं तो वो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए आप, अगर वहां उस दरमियान उसके कमरे में गया हुआ हूं तो आप मुझे जो भी सजा देनी चाहे, ये मेरे सभी गांव वाले और मेरी पूरी पंचायत वाले सब है, तो इनके सामने मैं शपथ लेता हूं कि आप मुझे तुरंत प्रभाव से यहां से अरेस्ट करवाइए और मुझे मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कराइए। अगर मैं निर्दोष हूं, अगर वो मैडम झूठी है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको अभी आज के आज बर्खास्त करें, नहीं तो हम 3 दिन बाद में वहां पंचायत मुख्यालय पर धरना देंगे और ये गांव वाले देंगे साहब, मैं तो नहीं दूंगा गांव वाले जाने इनका काम जाने। कलेक्टर साहब से क्या बात हुई? कलेक्टर साहब ने कहा भैया जो प्रतिनिधि मंडल गया मैं नहीं गया, तो उनसे जो भी वार्तालाप होगी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज जो मेरी इज्जत दाम पे लगी, आज पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया भाजपा का, पर मेरे खिलाफ अगर वो झूठे एससी एसटी और वो छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराती तो वो गलत है। अगर सच हो तो मुझे सजा दीजिए और नहीं हो तो उनको दीजिए, जो मैं तो केवल न्याय मांगने के लिए आया हूँ। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दो, वो दोषी है तो उनको सजा दो। मुकदमा कितनी तारीख को दर्ज हुआ? 5 तारीख को, और 6 तारीख को हमने मैडम की शिकायत दर्ज की एसडीएम साहब के सामने। तो अगर मैं झूठा था तो एसडीएम साहब उसी दिन बोलना चाहिए कि सर इसने कल मेरा हाथ रखा या मेरे पिस्टोल फाड़ने की कोशिश की। अब क्या मांगे आपकी? मेरी यही मांग है, मुझे न्याय चाहिए। शहर के वार्ड संख्या 59 में न्यू बैंक कॉलोनी स्थित जैन मंदिर गली में नगर परिषद प्रशासन की ओर से बनवाए गए ओपन जिम का रविवार को विधायक शंकर सिंह रावत के मुख्य अतिथि में शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक रावत ने जिम का फीता काटकर क्षेत्रवासियों के उपयोग के लिए उसका विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर सभापति नरेश कनौजिया तथा पूर्व सभापति शशि बाला सोलंकी आदि अनेक लोग मौजूद थे। पार्षद हरीश साकला के अनुसार परिषद की ओर से तैयार करवाए गए ओपन जिम में महिला पुरुष बच्चों आदि के लिए आवश्यक संसाधन लगवाए गए हैं ताकि वे इस जिम का अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर सके। कार्यक्रम के दौरान विधायक रावत ने कहा कि परिषद प्रशासन की ओर से ये जिम बनवाकर एक अनूठी पहल की गई है, इससे यहाँ के लोगों को प्रतिदिन सुबह अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने में काफी सहायता मिलेगी। सभापति कनौजिया ने भी क्षेत्रवासियों को परिषद की ओर से तैयार करवाए गए जिम का उपयोग कर स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की बात कही। क्षेत्रीय पार्षद साकला ने शुभारंभ के दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी पार्षद और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजमेरी गेट स्थित राम द्वारा के संस्थापक स्वामी श्री विश्वासी राम जी महाराज की 163वीं वर्षी महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए संतों ने कहा कि जिंदगी न बन जाए बला, उससे पहले सीख ले संतों से जीवन जीने की कला। अगर आदमी जीवन जीने की कला सीख लेता है तो उसका घर ही बेखुंड बन जाता है, उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, उसका मन मस्तिष्क हमेशा आनंद से भरा रहता है। वे जहाँ रहता है, जिस मुकाम पर रहता है, उसकी जिंदगी हर पल हर क्षण
प्रेम और आनंद, शांति, माधुर्य और विकास से भरी रहती है। संतों ने कहा कि जब भी बोले शिष्ट शालीन, मिष्ट मीठा और इष्ट यानी प्रिय कर बोले, हमारी वाणी हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। आदमी की कुलीनता उसकी जमीन जायदाद धन दौलत से नहीं बल्कि उसकी शालीनता से पहचानी जाती है, क्योंकि दुनिया का नियम है जैसा तुम देते हो लौटकर वही हर चीज़ तुम्हारे पास आती है। ये दुनिया एक इकोसिस्टम की तरह है, हम जैसा बोलेंगे वापस वैसा ही हमें सुनने को मिलेगा। संतों ने कहा कि जिंदगी को स्वर्गनुमा बनाने के लिए कोई बड़ी कोटि की जरूरत नहीं होती, जिंदगी को प्रेम और आनंद से भरने के लिए महंगे गहनों आभूषणों की जरूरत नहीं होती, जिंदगी में माधुर्य घोलने के लिए घर में महंगे फर्नीचरों की भी जरूरत नहीं होती, जिंदगी को प्रशांत में स्वर्गनुमा बनाने के लिए जिंदगी जीने की कला आनी चाहिए। और इसी के साथ धर्मसभा को डॉक्टर स्वामी रामस्वरूप शास्त्री सोजत, संत सज्जन राम महाराज उदयपुर, संत नानक राम महाराज आनंदपुर कालू, संत पुनीत राम महाराज, संत केवल राम महाराज, बाल व्यास रवि राम तथा सुनील राम महाराज आदि ने संबोधित किया। केंद्र सरकार की एक्सपोजर टूर कार्यक्रम योजना के तहत जम्मू कश्मीर की आशा सहयोगिनियों का एक दल रविवार को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचा, जहां उन्होंने गायनिक विंग का अवलोकन किया और राजस्थान चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। नेशनल हेल्थ मिशन के जम्मू कश्मीर स्टेट हेल्थ सोसाइटी के एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर इम्तियाज शकील बाबा के नेतृत्व में ब्यावर आए दल के साथ जम्मू कश्मीर हेल्थ विभाग के DAC जहूर अहमद, CHO DAC मिर्जा अजमल बेग, CHO CHT परवेज अहमद के साथ राजस्थान आशा सहयोगनी स्टेट नोडल ऑफिसर एवं स्टेट डेमोग्राफर राजेंद्र भाकर, SSO प्रदीप कुमार साथ आए। ब्यावर पहुंचने पर दल का आशा जिला कार्यक्रम समन्वयक महेश बिहारी माथुर और ANM किरण महावर, सविता विजया, शीला कृष्णा, अनीता ललिता, सुमन, आशा सहयोगनी जूली शर्मा, रामकन्या नागोरा, विष्णु पवार, ललिता, रेखा सेन, नजमा, लक्ष्मी फुलवारी आदि ने अभिनंदन किया सहयोगी। और इसी के साथ ही दल ने यहां सरकार की योजनाओं, आमजन तक पहुंच, विभाग के दायित्व, योजनाओं का लाभ, उन तक पहुंचाने के स्रोत, प्रगति आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य के अनुभव भी साझा किए। ब्यावर में ब्यावर की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को देखने के लिए जम्मू कश्मीर की टीम जो है वो आई थी और ब्यावर की हॉस्पिटल को देख के बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें नहीं हैं वो यहाँ हमारी जो J&K टीम आई उनको देखने को मिला, वो बहुत खुश हुए कि ऐसी व्यवस्थाएं हमारे स्टेट में भी हो। जो राजस्थान में जो मेडिकल क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है उसकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की और मेरी जो टीम थी उसने भी बहुत अच्छा काम किया। आशाओं ने, NMS ने और हॉस्पिटल को देख करके हमें बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पाई गई। करीब 35 लोगों का एक डेलीगेशन आया है और उनका उद्देश्य ये था कि राजस्थान की जो आशाएं काम कर रही है या जो चिकित्सा प्रणाली काम कर रही है उसका एक एक्सपोजर विजिट कराया जाए। इसी के तहत आज ये टीम को अवसर मिला अजमेर आने का, तो ब्यावर के जो AKH हॉस्पिटल के अंदर हमने इनको SNCU की विजिट कराई है, मदर मिल्क बैंक दिखाया है, MTC की विजिट कराई है और पालना करे का जो हमने दिखाया है पूरा, इससे काफ़ी इंटरेस्ट है। स्टेट से हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर राजेंद्र भाकर सर पधारे हैं और साथ ही हमारे प्रदीप जी डेमोग्राफी सेल से आए हैं, तो इन लोगों के साथ ही पूरी टीम ने यहाँ विजिट किया और जानकारी ली है कि किस तरह से यहाँ की आशाएं काम करती है और इससे बहुत इंटरेस्ट हुई है और बहुत जानकारी लेकर उन्होंने हमें धन्यवाद भी दिया है कि यहाँ की कार्यप्रणाली से हम भी बहुत कुछ सीखे जाएंगे। और साथ ही यहाँ ब्यावर शहर की समस्त आशाओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, समस्त जो नर्सिंग स्टाफ था यहाँ पर जो उपलब्ध रहा, वो जो भी स्टाफ AKH का था सब ने हमें बहुत कोऑपरेट किया और उसी के साथ इस पूरी टीम को हमने सफल बनाया और आज इस टीम का यहाँ पर एक हार्दिक स्वागत भी किया गया था, अभिनंदन किया गया और राजस्थान के स्वागत और अभिनंदन से अभिभूत हैं और इन्होंने हमें काफ़ी धन्यवाद भी कहा है, लेकिन हम भी ये सोचते हैं कि इनके इतने अच्छे काम को आगे भी प्रेरणा मिलती रहे। सदर थाना क्षेत्र के लसाड़िया गांव के समीप स्थित भेरूजी के थान के पास एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए आगे जा रही बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक पर सवार एक मासूम सहित दो लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को अंजाम देकर ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर सहित मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल महिला को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचाया तथा अमृत के शव को अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया।
पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार काकेड़ा प्रतापपुरा निवासी पप्पू सिंह पुत्र देवी सिंह रावत रविवार को अपनी भतीजी 12 वर्षीय ललिता की तबीयत खराब होने के कारण उसके इलाज के लिए अंधेरी देवरी राजकीय अस्पताल में उपचार के लिए ले जा रहा था, जिसके बाद शंकर सिंह ने अपनी सास राधा देवी तथा ललिता को बाइक पर बिठाकर लसाड़िया गांव से अंधेरी देवरी के लिए रवाना हुआ। इस दौरान भेरूजी के थान के समीप पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए आगे जा रही बाइक के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पप्पू सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि ललिता एवं राधा देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में एकेएच की मोर्चरी में रखवाया, साथ ही घायलों को एकेएच में भर्ती करवाया, जहां ललिता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घायल दादी राधा देवी का अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उपचार जारी है। साधु मार्गी जैन संघ की ओर से आचार्य श्री रामे सुवर्ण दीक्षा महोत्सव को महत्तम महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत संघ की ओर से अनदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उदयपुर रोड कृषि मंडी के बाहर चौराहे पर आयोजित अनदान कार्यक्रम के दौरान साधु मार्गी जैन संघ समता युवा संघ तथा समता महिला मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया। अनदान कार्यक्रम के दौरान साधु मार्गी जैन संघ के अध्यक्ष विनय चंद्र राखा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चांदमल बड़ोला, महामंत्री उत्तम चंद्रला, उपाध्यक्ष गौतम चंद चौधरी, महत्तम महोत्सव संयोजक सुशीला मेहता, रौनक श्रीमाल, ऋषभ कांकरिया, अनिल नाहर, निर्मल गुलेचा, अशोक बड़ोला, पदम डूंगरवाल, महिला मंडल से सहसंयोजक वीना नाहर, अध्यक्ष आशा बाबेल, प्रमिला बोहरा, राजुल राखा, अंजू गुलेचा, विमलेश ओसतवाल तथा रुचि कोठारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्री देवनारायण गौशाला ब्यावर खास में महावीर इंटरनेशनल के सोजने से निर्मित एक गोवंश की छाया के लिए टीन शेड बनवाया गया, जिसका लोकार्पण रविवार को पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। संस्था सचिव सुरेंद्र कोठारी ने बताया कि कडलूर चेन्नई निवासी भामाशाह स्वरूप चंद सुंदर देवी बाकलीवाल मनोज जैन ठोलिया के सहयोग से उक्त टीन शेड का निर्माण करवाया गया। लोकार्पण के दौरान संस्था के चेयरमैन दीपचंद कोठारी, सचिव सुरेंद्र कोठारी, ज्ञानचंद कोठारी, वीरेंद्र मेडतवाल, सुनील लोढ़ा, मनोज जैन ठोलिया, प्रकाश चंद गादिया, हरीश कृपलानी मौजूद रहे। अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था ब्यावर की आम सभा का आयोजन महासभा के अध्यक्ष भगवान सहाय जरोड़िया की अध्यक्षता में किया गया। सैंदड़ा रोड स्थित मेघ महल में आयोजित आम सभा के दौरान बड़ी संख्या में महासभा के पदाधिकारी सदस्यगण एवं समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया। सभा के दौरान समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से इस बार आगामी 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी के मौके पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। महासभा प्रवक्ता गुरुशरण गोयल ने बताया कि सभा के दौरान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले तथा सावित्रीबाई फूले के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया गया। सभा में मेघ महल में विभिन्न मरम्मत कार्य आदि पर भी चर्चा की गई एवं एक समिति का गठन कर कार्य करवाने का निर्णय लिया गया। सभा के दौरान संरक्षक हजारीलाल भाटी, अर्जुन राम दुखाड़िया, जफरूप राम भाटी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश चंद तड़दिया, सुरमाराम कतीरिया, कुपाराम जोदावत, भवरलाल पलासिया, रामलाल मेहरा, दुलाराम कतीरिया, गंगा सिंह परिहार, अजीत राम गहलोत, उदयराम भाटी तथा मदनलाल जारोठिया आदि अनेक सदस्यगण मौजूद थे। पूर्व सैनिक पेंशनर समाज कल्याण संस्था ब्यावर ने रविवार को ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन देकर ब्यावर में सैनिकों की सुविधार्थ ECHS काउंटर खुलवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि काफी लंबे समय से पूर्व सैनिक एवं उनके परिवारजनों की ओर से ये सुविधा ब्यावर में ही उपलब्ध करवाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। संस्था के जिला अध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में पूर्व सैनिकों ने बताया कि इस समय यह सुविधा अजमेर में उपलब्ध है, लेकिन ब्यावर जिले के मगरा क्षेत्र में करीब 7,500 से अधिक पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित निवास करते हैं। ऐसे में उन्हें उक्त सुविधा के लिए जिले के अंतिम छोर पर बसे गाँव से 140 किलोमीटर की दूरी तक अजमेर पहुँचना पड़ता है। इनमें अधिकांश पूर्व सैनिक वयोवृद्ध हैं, जिन्हें आने जाने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। संस्था ने मुख्यमंत्री शर्मा से आग्रह किया है कि पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को ये सुविधा ब्यावर में ही उपलब्ध करवाई जाए।
विधायक रावत से भी आग्रह किया गया कि वे उक्त मामले को सरकार के समक्ष रखें तथा ECHS काउंटर ब्यावर में ही खुलवाए। ज्ञापन देने के दौरान मेजर केसर सिंह, काना सिंह रावत, रतन सिंह भाटी तथा गोविंद काठात आदि अनेक सदस्य मौजूद रहे। शहर के छावनी क्षेत्र से दो राम भक्त अयोध्या धाम के दर्शनार्थ रविवार को पैदल रवाना हुए। क्षेत्रवासियों ने उन्हें ढोल ढमाकों के साथ फूल मालाओं से लादकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। जानकारी के अनुसार राम भक्त मनीष जांगिड़ एवं सागर टाक रविवार को ब्यावर से अयोध्या के लिए पैदल रवाना हुए। क्षेत्रवासियों ने उन्हें फूल मालाओं से लादकर गाजू बाजू के साथ उन्हें रवाना किया। शहर के छावनी स्थित जय क्लिनिक में स्थापित किए गए IVF सेंटर का रविवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के मुख्य अतिथि में शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक शंकर सिंह रावत, सभापति नरेश कनौजिया तथा भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मंत्री गहलोत सहित अतिथियों को क्लिनिक के निदेशक CP सिंगल एवं अन्य स्टाफ ने माला तथा साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद मंत्री गहलोत ने सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। गहलोत ने कहा कि IVF सेंटर खुलने से निसंतानता से ग्रसित लोगों को काफी राहत मिलेगी। महावीर इंटरनेशनल युवा केंद्र ब्यावर की ओर से रविवार को सेवा कार्य के तहत शहर के सुभाष उद्यान, बिचली तालाब की पाल पर संचालित महावीर अन्न क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को भोजन का वितरण किया गया। इसके साथ ही राजकीय अमृत को चिकित्सालय के शिशु वार्ड में 80 बेबी किट का वितरण किया गया। उक्त दोनों सेवा कार्य के लाभार्थी केंद्र के अध्यक्ष अमित बंसल थे। बंसल ने बताया कि संस्था की ओर से सेवा कार्य की कड़ी में रविवार को केंद्र के सदस्य एवं पदाधिकारियों ने सुबह 1 AH पहुंचकर शिशु वार्ड में नवजात शिशुओं की सुविधार्थ प्रसूताओं को बेबी किट का वितरण किया गया। इसके बाद सुबह महावीर अन्न क्षेत्र पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया गया। सेवा कार्यों के दौरान वीर राजेश मुरारका, सत्यकाम दादीज, विकास बंसल, राजकुमार गोयल, विकास बंसल, विष्णु सिंगल, विजयराज जैन, शैलेंद्र गुप्ता, निखिल जिंदल, विजयराज जैन तथा रोशन बादशाह आदि शामिल रहे। श्री कृष्ण मंदिर बसीटा समाज धोबी ब्यावर के अध्यक्ष पद हेतु द्विवार्षिक आम चुनाव धर्मशाला नाथूजी का बाड़िया चांग सितार रोड ब्यावर में संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी मनोज कुमार भाटी ने बताया कि समाज में 80% मतदान हुआ है तथा मतदान दल द्वारा मतगणना कार्य संपन्न किया गया। चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भवानी शंकर बगेरिया अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दयाराम साखला से 34 मतों से विजयी रहे। मतगणना के पश्चात बगेरिया बसेटा धोबी समाज के अध्यक्ष चुने गए। मनोज कुमार भाटी ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के दौरान पूर्व में ही सचिव पद पर प्रवीण महावर और कोषाध्यक्ष पद पर पुकराज चौहान निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीकांत बालोत ने सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर SDM ब्यावर गौरव बुड़ानिया, बदनोर SDM सुरेश मेघवाल, नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी, नगर परिषद XCN सुनील कुमार तथा ACO डॉक्टर गोपाल लाल मीणा ने उनका माला पहनाकर तथा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर लक्ष्मीकांत बालोत ने जिला कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोत ने कहा कि जिले के विकास में हमारी टीम द्वारा बेहतर कार्य किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य को संपादित करने को कहा। आपको बता दें कि राज्य सरकार के आदेशों पर अलवर जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से स्थानांतरण होने के बाद सोमवार को बालोत ने ब्यावर कलेक्टर कार्यालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर पद का पदभार ग्रहण किया है। जवाजा थाना क्षेत्र के कोटड़ा काबरा गांव में एक युवक को घर में घुसने के दौरान एक सांप ने काट लिया, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। युवक को सांप के काटने की जानकारी मिलते ही परिजन उसे उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे CCU वार्ड में भर्ती कर उसका उपचार शुरू किया। जानकारी के अनुसार कोटड़ा काबरा निवासी 24 वर्षीय दीपक पुत्र लाडू सिंह रविवार रात को अपना काम खत्म करने के बाद घर पहुंचा। इस दौरान जब दीपक घर के भीतर प्रवेश कर रहा था, उसी दौरान पास की नाली में छुपे बैठे सांप ने अचानक दीपक के पैर में काट लिया, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसे ड्यूटी डॉक्टर ने उपचार के लिए CCU वार्ड में भर्ती कर उसका उपचार शुरू कर दिया।
मसूदा उपखंड के रूपारेल गांव निवासी कमला पत्नी सज्जन सिंह काठात ने मसूदा तहसीलदार की ओर से की जा रही कार्यवाही का विरोध करते हुए कार्यवाही को रोकने की मांग की है। उक्त मांग को लेकर पीड़िता कमला ने सोमवार को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में पीड़िता ने बताया कि मसूदा तहसीलदार की ओर से उसे सोमवार को धारा 91 के तहत एक नोटिस मिला है। उक्त नोटिस में उसके मकान तथा बाड़े को तोड़ने की बात कही गई है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति फौजी है जो वर्तमान में सिक्किम बॉर्डर पर तैनात है। घर पर अकेली होने के कारण उसे सारे कागजात एकत्रित करने में समय लगता है। पीड़िता ने बताया कि ग्राम रूपारेल उसके साथ साथ लगभग 40 से 50 मकान बने हुए हैं जिनके विरोध कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़िता ने बताया कि वे लाल फीताशाही की शिकार है तथा मसूदा तहसीलदार द्वेष्टता रखते हैं और केवल उसके खिलाफ ही कार्यवाही पर आमदा है। पीड़िता ने जिला कलेक्टर से उक्त कार्यवाही को रोकने तथा राहत पहुंचाने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान मोहनलाल, शौकीन काठात, नजरी लाल, अजमत, रेशमा काठात, साजन, रहमानत, बालूखान, अली मोहम्मद तथा जब्बार आदि उपस्थित रहे। जिला उपायुक्त मसूदा से मेरे को नोटिस दिया गया कि आज तेरा वहाँ पे आके मिलो, इसको बार बार पैसे की धमकी देता है कि पैसे दिलाओ पैसे दिलाओ। मैं कहाँ से दूँ पैसे यार, आगे भी मैं 1.5 लाख रुपए दे चुकी हूँ यार, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है यार। बार बार पैसे की धमकी देने के लिए फिर नोटिस भिजवाया। कौन मांग रहा है पैसे आपसे? मेरे को पैसे मांग रहा है विजय सिंह, सरपंच का लड़का है विजय सिंह, वो पैसे मांग रहा है। 1.5 लाख किसको दिए पहले आपने? मैंने सरपंच को दिए 1.5 लाख। किस बात के दिए? किस बात के दिए? कोई लफड़ा में है कि मैं दोबारा तेरे लफड़ा नहीं करूंगा, उसके लिए मैं 1.5 लाख रुपए आगे दे चुकी हूँ यार। अभी फिर पैसे मांगने की डिमांड का मैंने फिर ये नोटिस भिजवाया क्योंकि फिर पैसे देओ यार, नहीं दोगे तो तेरा घर डसकाऊंगा। अभी नोटिस किसने भेजा आपको? तहसील आया मसूदा। शहर के बलार रोड वार्ड संख्या 51 स्थित मकर ध्वज बालाजी धाम पर फाग उत्सव का आयोजन किया गया। नारी शक्ति की ओर से आयोजित फाग उत्सव के दौरान उपस्थित लोग फूलों की होली खेलते हुए होली गीतों पर झूमकर झूमे। कार्यक्रम में भजन गायक भूपेंद्र आचार्य, मनोज शास्त्री, शुभम शर्मा तथा गोपाल चतुर्वेदी आदि कलाकारों ने एक से बढ़कर एक होली गीतों की प्रस्तुतियां दी। फाग उत्सव का शुभारंभ महंत प्रकाशनाथ शास्त्री तथा पार्षद हंसराज शर्मा ने ठाकुर जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। फाग उत्सव में नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, बादशाह मेला समिति संयोजक भरत मंगल, पार्षद हंसराज शर्मा तथा महंत प्रकाशनाथ शास्त्री आदि ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। श्री कुमावत पंचायत सभा ब्यावर की ओर से मंगलवार को 22वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान समाज के 14 जोड़े का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। इस मौके पर सुबह 8 बजे से गिरजाघर स्थित कुमावत पंचायत भवन से जाना नगर जालिया रोड के लिए शोभा यात्रा व निकासी निकाली जाएगी। सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत सोमवार को महिला संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जाना नगर स्थित सम्मेलन स्थल पर आयोजित महिला संगीत कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान महिलाओं ने राजस्थानी तथा फिल्मी गीतों पर जमकर नृत्य करते हुए खुशियां मनाई। महिला संगीत कार्यक्रम में ब्रजबाला जालंधरा, भाग्यवंती धुंधारिया, निशा खाटुवाल, जयश्री जालंधरा, पिंकी करोड़ीवाल, साक्षी बैताड़िया, संगीता जालवाल, आरती खोवाल, ज्योति भारती, संतोष गुमानिया तथा मंजूलता बासनीवाल आदि शामिल रही। नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने सोमवार को परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही को अंजाम दिया। स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा के सानिध्य में पूर्ण ड्रेसअप के साथ बाजार में पहुंचे दस्ते के कर्मचारियों ने दुकानों के बाहर सामान रखकर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाते हुए सामान भी जब्त किया। इस दौरान परिषद की ओर से व्यापारियों तथा दुकानदारियों को भविष्य में दुकानों के बाहर सामान रखकर अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटाने के लिए भी पाबंद किया। इस दौरान परिषद की ओर से व्यापारियों तथा दुकानदारों को भविष्य में दुकानों के बाहर सामान रखकर अस्थायी अतिक्रमण नहीं करने के लिए भी पाबंद किया। सोमवार को परिषद के दस्ते ने मिशन ग्राउंड, चांग गेट, पाली बाजार, लोहरान चौपड़ सहित अन्य क्षेत्रों में कार्यवाही को अंजाम दिया। कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन के साथ साथ सफाई जमादार तथा कर्मचारी शामिल रहे।
शहर की बोहरा कॉलोनी निवासी शिक्षाविद सोहन लाल शर्मा के पोत्र तथा अजीत शर्मा के पुत्र 23 वर्षीय ऋषभ शर्मा का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। ऋषभ शर्मा ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में एक वर्ष की कड़ी मेहनत और लगन के बाद ये मुकाम हासिल किया है। चेन्नई में 7 से 9 मार्च तक आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में 233 कैडेट को लेफ्टिनेंट पद दिया गया। लेफ्टिनेंट बनने के बाद ऋषभ शर्मा सोमवार शाम को पहली बार ब्यावर पहुंचे। शर्मा के रेल मार्ग से ब्यावर पहुंचने के दौरान बड़ी संख्या में परिवारजनों तथा शहरवासियों ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। शर्मा के रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही वहां उपस्थित सभी ने उन्हें फूल मालाओं से लादते हुए भव्य स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद शर्मा को बैंड बाजों तथा ढोल ढमाकों की थाप के साथ एक खुली जीप में बैठाकर बोहरा कॉलोनी स्थित आवास पर लाया गया। इस दौरान रास्ते में जगह जगह लेफ्टिनेंट शर्मा का शहरवासियों ने फूल मालाएं पहनाते हुए स्वागत किया। छोटी सी उम्र में लेफ्टिनेंट बनने वाले ऋषभ शर्मा ने अपनी उक्त सफलता का श्रेय अपने दादा माता पिता तथा परिवारजनों को दिया है। इसी प्रकार ऋषभ के पिता अजीत शर्मा ने भी खुशी जाहिर करते हुए शहरवासियों की ओर से दिए गए प्यार के लिए उनका आभार जताया। लेफ्टिनेंट ऋषभ शर्मा का स्वागत करने वालों में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल रहे। मेरा जो भी ये जो दिख रहे ना सितारे, ये सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से, मेरे पापा मम्मी इन सबके सहयोग के बिना मैं कभी नहीं कर पाता। शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बोलने के लिए तो यही है दोनों मेरे लिए। इनके सपोर्ट से बहुत मुश्किलें आई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट करा, ना चाहते हुए भी हर चीज़ में मतलब सहयोग दिया ही दिया है। उसके बाद फिर मैं स्कूलिंग वगैरह करी, हॉस्टल में वगैरह डाला था, स्पेशली अपने से दूर भेजा ताकि मेरा डिसिप्लिन क्रिएट हो लाइफ में। डिसिप्लिन के साथ साथ मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी डेवलप कर पाऊँ, और भी बहुत चीज़ें हैं जो मेरे को आगे जाने, मतलब मेरा बचपन से सपना था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ, ये माँ बाप को भी पता था। तो इस चीज़ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो ऐसे स्कूल में भेजा जहाँ वो वहाँ पर परिपूर्ण करते थे इस चीज़ को लेकर के। तो आगे चल करके जब मैंने SSB इंटरव्यू दिया तो तब जाके रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें मेरे बहुत काम आई थी। लेकिन जब मुझे हॉस्टल में डाला जा रहा था तब मैं थोड़ा कोस रहा था कि क्यों डाला, बट एट लास्ट जो चाहिए था वो मुझे मिल गया इनकी वजह से। जय कुमार राजीव सर, आज बहुत खुशी का पल है, बेटा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बना है, गौरव का क्षण है। बहुत ही संघर्ष के साथ है इसने डेडिकेटेड होके अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया उसके यहाँ सफलता मिली। सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ये लगभग 7वीं क्लास से बाहर निकल गया था और लगातार इसने अपना जो सपना संजोया उसके लिए कड़ी मेहनत की और उसका परिणाम आज हम सभी के समक्ष आज गौरव का पल है। पूरे परिवार में ये हमारे पीढ़ियों में आज तक कोई सेना में नहीं गया, और हमारा जो सपना था, हमारे परिवार में कईयों का सपना था, युवाओं का, जब हम लोग युवा थे तब सेना में जाने की उत्सुकता थी, आज सपना वो आज जाके इस बेटे ने पूरा किया, गौरव का पल है। सभी को एक संदेश है कि अगर हम निरंतर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये ऋषभ जो आज लेफ्टिनेंट ऋषभ शर्मा है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब आपसे लेना चाहेंगे पूरी टीम के साथ इजाजत, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।